हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपसे बात करते हैं, आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो सुबह मॉर्निंग है, मॉर्निंग में डस्टिंग शुरू कर दी है मैंने। तो पहले तो यहाँ से कर देती हूँ, जहाँ फल वल सब्जी रखती हूँ मैं यहाँ पर मेज पर। तो उधर से करके मैंने फिर किचन से झाड़ू निकाल ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको फ्रिज को भी कर देती हूँ। जैसे पता नहीं है, काली काली मिट्टी सी आती है, 2-3 दिन नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो यहाँ पर 1-2 दिन में तो करनी पड़ती है। और यहाँ पर बारिश होती है तब तो थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, नहीं तो बहुत काली मिट्टी आती है। और यहाँ तो गर्मी है, ठंड भी नहीं हुई अभी। तो आज मैंने डिब्बों में जो सामान खत्म हो गया था वो भी डाल दिया है, क्योंकि डिब्बे धो के रखे थे और मैंने शाम को तो डाला नहीं। फिर सुबह सुबह जैसे ही झाड़ू निकालने लगी तो साथ में मोह थैली वेली है, सब कचरा साथ में चला जाएगा। तो उस मैंने डिब्बों में सामान भी सुबह सुबह डाल दिया है। तो झाड़ू लग गई है मेरी पूरी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर जैसे पहले साफ कर देती हूँ, पोछा लगाने से पहले, पोछा लगाने के बाद साफ करती हूँ तो यहाँ थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है, फिर दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। इसको तो रोज करना पड़ता है, जैसे बच्चे हाथ मुंह धोते हैं यहाँ पर आके तो फिर गंदा हो जाता है, यहाँ पानी के छिड़के से लग जाते हैं, तो रोज साफ करना होता है सुबह सुबह। तो पोछा लगाने से पहले इसको कर देती हूँ साफ। सुबह जैसे बच्चे चले जाते हैं उसके बाद यही क्लीनिंग शुरू होती है, तो यही साफ सफाई शुरू। बच्चे जाने के बाद जल्दी हो जाता है, जैसे इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो तो ये सब साफ कर दिया मैंने। नीचे की जैसी खिड़की विड़की थी वो भी साफ कर दी है। तो ये अब यहाँ लगा लेती हूँ पोचा। जैसे बैड इकट्ठा करती हूँ शाम को, मैं इनको जोड़ लेती हूँ। तो इस टाइम मैं जैसे चादर वदर लगा के इनको अलग अलग कर देती हूँ कि झाड़ू पोचा अच्छे से हो जाए यहाँ पर। और साथ में चला दिया मैंने पंखा सूखने के लिए, साथ में पंखा चला देती हूँ तो फिर जल्दी सूख जाता है। जैसे खड़े पोछा से लगाती हूँ तो इससे 2 बार लगा लेती हूँ तो बिल्कुल साफ हो जाता है। ऊपर का मकान है तो इतना गंदा नहीं होता है।
और इनके नीचे से भी अच्छे से साफ हो जाता है, खड़े वाले पोचे से वैसे बैठ के लगाते हैं तो यहाँ अच्छे से नहीं लगता है। तो इस रूम में तो लग गया है पोचा पूरे, मैं 2 बार मैंने लगा दिया है इसमें। अब लगाती हूँ जैसे दूसरे में जो उधर गद्दे डले हैं नीचे, तो वो मैंने खड़े कर दिए थे और झाड़ू ली थी निकाल। और यहाँ पर एक जोड़े जैसे कुर्सियों में डले हैं, एक्सरवा साइज वाली मशीन है यहाँ पर। ये तो खाली ही रहता है, जैसे उसी में रहते हैं तो फिर गद्दा नीचे डाल लेते हैं यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं, तब कुर्सी मेज पर पढ़ते हैं जब, तो गद्दे खड़े ही रहते हैं, नहीं तो पोचा लगा के मैं डाल देती हूँ और चादर लगा देती हूँ यहाँ पर पोचा लगाने के बाद। ये ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसको एक बार पोचा लगा देती हूँ तो उसी से साफ हो जाता है। इस रूम में कम आते हैं बच्चे, पढ़ने ही आते हैं यहाँ पर। ज़्यादा गर्मी थी जैसे सोना होता था एसी चला के, तो फिर इस रूम में रहते थे। तो पोचा मेरा सारा लग गया था, उसके बाद आगे मैं किचन में किचन को कर लेती हूँ। किचन किचन का पोचा बचा है, इसको लगाऊंगी बाद में, पहले किचन को पूरी को साफ करूंगी उसके बाद पोचा लगाऊंगी। जैसे ऊपर से साफ करती हूँ तो पानी वानी गिर जाता है, तो फिर बाद में ही साफ करती हूँ किचन को। सारे पोचा लगा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ बर्तन रखे हैं, बर्तन साफ करूंगी और पूरा स्लेब को साफ करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ किचन में पोचा लगाऊंगी। सुबह जैसे बच्चों का दूध का हो जाते हैं, कुछ लंच बॉक्स बनाती हूँ उनके बर्तन हो जाते हैं, कुछ चाय के हो जाते हैं, तो वही बर्तन रखे हैं यहाँ पर। तो फिर मैं सुबह स्लेब भी साफ कर देती हूँ, साथ में ही दोपहर का खाना बनाती हूँ, उससे पहले साफ कर देती हूँ मैं, पोछा लगाती हूँ तभी साथ में ये भी। तो किचन भी पूरा साफ हो गया है मेरा, स्लेब सलेब गैस सब साफ कर लिए हैं और बर्तन भी कर दिए हैं साफ मैंने। अब इसको भी मैं साफ कर देती हूँ जैसे साबुन लगा के अच्छे, थोड़ी बहुत चिकनी हो जाती है तो जैसे दिन में 2-3 बार हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें साफ होने में। तो यहाँ बर्तन रखे थे यहाँ, और यहाँ से भी ये भी साफ कर देती हूँ।